नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द इनर व्यूअर चैनल। यहां मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं एंजल टैक्स के बारे में कि एंजल टैक्स क्या है, ये किस तरह के इनकम पे लगाया जाता है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं दोस्तों क्योंकि हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं क्या हम जो अभी 5 लाख का टैक्स स्लैब पे जो हमें रिबेट मिली है, क्या इसमें ये एंजल टैक्स भी शामिल है। कई सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे जो कि रिलेट इन्हीं सब चीजों से करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये आप लोगों को नहीं भरना है। एंजल टैक्स आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोग कहीं एम्प्लॉई हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये एंजल टैक्स नहीं भरना है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग स्टार्टअप कंपनियां हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, जो लोग अपने शेयर्स को सेल करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहां पे अगर मैं आप लोग को समझाऊं एंजल टैक्स को, तो एंजल टैक्स को समझने से पहले तो आप लोग ये समझिए कि एंजल इनकम क्या होती है। जैसे आप लोग समझिए कि मेरी द इंडियन ट्यूबर नाम से एक कंपनी है, उसके मैं शेयर्स आप लोगों के साथ सेल कर रहा हूं, तो आप लोग जो मेरे शेयर की कीमत है आप लोग 10 रुपए में खरीद रहे हैं, लेकिन मैं उसे बेचना चाह रहा हूं 15 रुपए में। यानी कि जो शेयर्स की एक्चुअल कीमत है वो 10 रुपए की है, लेकिन मैं उसे सेल कर रहा हूं 15 रुपए में फंड इकट्ठा करने के लिए। अब जो 5 रुपए मैं एक्स्ट्रा आप लोगों से मांग रहा हूं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भैया ये जो आप लोग 5 रुपए ले रहे हैं ये आप लोगों के इनकम में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो फंड इकट्ठा होते हैं उन्हें कहा जाता है एंजल फंड। यानी कि जो शेयर की एक्चुअल कीमत होती है उससे ज्यादा कीमत मांगने पे जो फंड इकट्ठा होता है स्टार्टअप कंपनीज की, वो होता है एंजल फंड। और उन फंड पे जो टैक्स लगता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स की मांग करता है, वो होता है आप लोगों का एंजल टैक्स। तो दोस्तों ये चीजें आप लोगों की अभी फिलहाल 10 करोड़ है, कई लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय 25 करोड़ हो जाएगा, ऐसी कई सारी न्यूज़ आ रही हैं। कुछ लोग कहीं से न्यूज़ तो आ रही है 50 करोड़ तक हो जाएंगी, तो उनको काफी बेनिफिट मिलने वाला है जो स्टार्टअप कंपनियां हैं। यानी कि जो आप लोग फंड इकट्ठा कर रहे हैं अगर वो 10 करोड़ के अभी तक अंदर है तो उस पर आप लोगों को किसी तरह का टैक्स नहीं भरना है। तो इस तरह की चीजें आप लोगों के सामने आएंगी अगर आप लोगों की स्टार्टअप कंपनियां हैं तो। बाकी आप लोग मत परेशान होइए, जो लोग काम करके कमा रहे हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का एंजल टैक्स नहीं लगने वाला है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे एंजल टैक्स के बारे में। और एक बात मैं और बता दूं कि इसमें कई तरीके से हम रिबेट भी ले सकते हैं, टैक्स में छूट भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। आप लोग अगर नीचे कॉमेंट करके पूछेंगे तो मैं आप लोगों को एक डिटेल्ड वीडियो उससे रिलेटेड बना दूंगा। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, उसी तरह की जानकारी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, खास करके उनके साथ जिनके साथ इस तरह का कंफ्यूजन हो भैया कि क्या हमें भी एंजल टैक्स भरना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।